नमस्कार माय इंस्टा फैमिली। जैसे कि आपको पता है, आज है दशहरा, जो कि बुराई की अच्छाई पर विजय के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन हम क्या करते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही विजय होती है। तो यहाँ पे रावण जो है ना, वो एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता है कि जिसे हमें जलाना है। तो यहाँ पे इसका ये एग्जांपल होता है कि जो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, कि कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचना, हमेशा लोगों के नेगेटिविटी रखना, वो भी एक बुराई ही है। तो और जितनी भी बुराइयां हैं समाज में, वो तो आप सभी को पता है कि बहुत सारी बुराइयां हैं। तो हमारे अंदर की जो बुराई है, मेन होती है कि हमारी सबके अंदर होती है, जो कि नेगेटिविटी आ जाती है किसी काम को लेकर। अगर हम किसी काम को लेकर सफल नहीं हो रहे हैं, तो हमारे मन में ये होता है कि चलो छोड़ो, हो तो मेरा ये वो, तो गिव अप कर देते हैं उसे हम। तो ये सब कुछ नहीं करना, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने पर भी एक बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। तो आज से आप और हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि हम कभी भी अपने मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएंगे। तो हैप्पी दशहरा, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।